मेंटेनेंस जो मैं कर रही हूँ उसमें हमें स्पेशली जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें हिंदुज्म से रिलेटेड ही सिलेबस है। वहाँ पर वेद पुराण मनुस्मृति उन सब के जो श्लोक्स हैं वो भी हमें पढ़ाए जाते हैं। तो योग को भी उन्होंने पूरी तरह हिंदुज्म से रिलेट कर दिया है। तो ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपनी ना ही हम कभी अपने पूरी फैमिली के साथ बुद्ध वंदना में जाते हैं, ना ही कभी उनके साथ बैठ के इतिहास की चर्चा करते हैं। हमारे इतिहास में कौन कौन से हमारे समाज सेवी रहे हैं, कौन किन्होंने हमारे समाज के लिए क्रांति लाई है, हम कभी इस बात की चर्चा अपने घर में बैठ कर नहीं करते। कभी हम इस बात की कभी इस जैसे रामायण होती है तो हर एक गली गली में टीवी लग जाते हैं ना, और हर एक गली गली में उनको दिखाया जाता है कि कैसे रामायण होती है। पर हमारे समाज में या के कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे हर एक छोटे छोटे बच्चे को एक एंटरटेनमेंट के वे में उनको पूरी नॉलेज भी मिल जाए और उनका एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए। पर उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हर एक बच्चे को प्रॉपर नॉलेज भी मिल रही है उनके इतिहास की, और जैसा उन्होंने ढोंग पाखंड जो भी बना रखा है उसकी भी प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। पर हमारे समाज में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और जहाँ तक कि अभी बहुत से लोगों ने बोला है कि धम्म स्कूल खुलने चाहिए, बिल्कुल खुलने चाहिए, पर उन धम्म स्कूल खुलने की बहुत से क्राइटेरिया होंगे, उसके पहले हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। और ऐसे ही एक प्रपोजल बहुत टाइम पहले एक भंते जी आई थी महाराष्ट्र से, उन्होंने मेरे सामने भी रखा था, उन्होंने हमें भी बोला था कि धम्म स्कूल हम यहाँ पर खुलवाना चाहते हैं, एज अ टीचर वो मुझे भी अपॉइंट करना चाहती थी। बट उसके बाद में मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। चार बार उन्होंने मुझे ऑलरेडी बुला रखा है, कभी मेरे भी नेशनल्स लेवल पर योगा कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो इस वजह से मैं उनसे नहीं मुलाकात पर कर पाई। बट महाराष्ट्र में वो मुझे इस बार भी बुला रही हैं 26 जनवरी को, मैं भी जाना चाहूँगी। और इसी तरह से जैसे उनके तो धम्म स्कूल महाराष्ट्र में भी बहुत खुले हुए हैं, हमारे भी वो धम्म स्कूल दिल्ली में कब खुल पाएंगे? जब हम अच्छी सी कमेटी बना पाएंगे। यहाँ पर कमेटियों में ही भेदभाव हो जाता है, सारे टूटने बिखरने लग जाते हैं। जब हम टूटने बिखरने लग जाएंगे तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? सबसे पहले हमें एकजुट होना पड़ेगा और अपनी पूरी फैमिली में धम्म की चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे कहीं। और अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को जब तक हम अपने इतिहास से रूबरू नहीं करवा पाएंगे तब तक वो मजबूत पीढ़ी नहीं बन पाएगी। जैसे कि अगर हम बहुत जो उनके छोटे छोटे जो ब्राह्मण के जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको उनके पूरे इतिहास के बारे में पता होता है, पर हमारे बच्चों को अगर हम थोड़ी थोड़ी बातें भी बताएंगे और फिर वो उनसे कट्टरवादी विरोध करेंगे तो भी वो उनको अपनी झांसों में तुरंत बसा लेंगे, क्योंकि उन्हें तो डीप नॉलेज है और हमारे बच्चों को डीप नॉलेज हम दे ही नहीं पाते क्योंकि हम खुद ही नहीं पढ़ते। जब तक हम उन बुक्स को, हमारे जो बुक्स हैं, जो हमारे धम्म हैं, उनको जब हम डीपली खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने बच्चों को भी डीपली नहीं बता पाएंगे। तो मेरा सबसे यहाँ पर ये भी अनुरोध है कि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बच्चों को भी सही नॉलेज नहीं दे पाएंगे। पहले हमें खुद वहाँ पर पढ़ना है, तब हमें बच्चों को पढ़ाना है। सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ अपने विचारों के साथ।